लीगल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। मैं केशव चौधरी, आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, और आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट कितने तरह के होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उसके बारे में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर कवर्ड है। जैसे जब हम जूरिसप्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी ये थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का एक अलग से टॉपिक है। वहीं क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी एक्ट है उसमें भी सेम टॉपिक कवर्ड है। और पॉलिटिकल साइंस और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग को थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर कवर्ड है। वाई वी स्टडी द टॉपिक ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, तो इस बात का अंदाज़ा हम लोग इससे लगा सकते हैं, जो चाणक्य ने जो बुक अर्थशास्त्र लिखी थी उस टाइम भी उन्होंने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में अपने बुक में मेंशन किया था। उन्होंने कहा था जो अगर कोई राजा जरूरत से ज़्यादा उदारवादी हो जाए और वो जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं दे तो उससे भी लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। वहीं पे अगर कोई रॉन्ग डूअर ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है तो उससे भी ये चांसेस होते हैं जो पीपल जो होते हैं वो विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए वो सीरियसनेस ऑफ क्राइम के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना आपने जिस हिसाब से सीरियसनेस ऑफ क्राइम किया उसी हिसाब से आपको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड होगी। अगर मान लो आप लोगों ने किसी ने अगर कोई पॉकेट मारा है तो उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट नहीं होगी, इसी उसके लिए उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती जो मर्डर के लिए होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो क्राइम और पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। तो ऑफेंस को हम लोग दो भाग में बांटे, एक होता है सिविल ऑफेंस और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो सिविल ऑफेंस जैसे हम बाइक चला रहे हैं और हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो वो सिविल ऑफेंस हो गया। वहीं क्रिमिनल ऑफेंस हो गया अगर हम कोई मर्डर कर रहे हैं या डकैती कर रहे हैं, बर्गलरी कर रहे हैं, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर कवर्ड है। जो भी पनिशमेंट हमें दी जाती है उसे दो भागों में बांटा गया, एक है कॉर्पोरल पनिशमेंट और दूसरा है नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर जो भी फिजिकल पनिशमेंट हमें दी जाती है वो कवर्ड है, जैसे इम्प्रिजमेंट, जेल की सजा हुई, फांसी की सजा, तो ऐसे पनिशमेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर कवर्ड है। वहीं पर नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट को हम लोग अल्टरनेट ऑफ फिजिकल पनिशमेंट या अल्टरनेट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। इसमें अगर सपोज आप हमारे पास लाइसेंस नहीं है और हम बाइक लेके जा रहे हैं तो पुलिस ने हमें फाइन इम्पोज किया मेरे पे, तो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट, हमारी जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गई, तो ये सब नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर कवर्ड है। चार थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं, पहला रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, दूसरा डिटेरेंट थ्योरी, तीसरा प्रिवेंटिव थ्योरी और चौथा रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में देखेंगे। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से जो पनिशमेंट दी जाती है वो बहुत ही हार्श दी जाती है। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड फॉर ब्लड, आई फॉर आई। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो वो आपके उसके जो परिवार के लोग होंगे वो भी आपका मर्डर करेंगे। अगर आपने किसी का हाथ काटा है तो उसके बदले आपका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो इस ये थ्योरी प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड में कुछ ही जगहों पे एग्जिस्ट कर रही है जिस जहाँ पे इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि इस थ्योरी को बहुत ही क्रूवल और बारबरिक माना जाता है। ये जो ह्यूमन बींग है इसके लिए ये सूटेबल थ्योरी नहीं है। हालांकि अभी भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर पनिशमेंट रिट्रीब्यूटिव थ्योरीज के हिसाब से दी जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो, अगर आपके भाई का किसी ने मर्डर किया और इसके बदले आप भी मर्डर कर रहे हो, तो ये तो टोटली देर इज़ अ नो नीड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो इस पे महात्मा गांधी ने कहा था जो अगर आपका कोई आँख ख़राब कर रहा हो और उसके बदले आप भी उसकी आँख ख़राब कर रहे हो तो इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड अंधा हो जाएगा। तो ये थ्योरी अभी के प्रेजेंट टाइम में सूटेबल नहीं है। दूसरा है डिटेरेंट थ्योरी। डिटेरेंट थ्योरी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी से बिल्कुल अलग है। डेटर का मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम एक्शन। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो उसके बदले आपको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी जिससे आप वो उस तरह की क्राइम दोबारा ना कर सको और आपको जो पनिशमेंट मिली है वो सोसाइटी में एक तरह से उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए। जो अगर कोई भी जनता ऐसे क्राइम करती है तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी। मेनली जो डिटरेंट थ्योरी का जो मेन एम है वो है जो लोगों के दिमाग में एक डर बैठा देना जिससे वो कोई गलत काम फ्यूचर में ना कर सकें। तीसरा आता है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का हम लोग थ्योरी ऑफ डिसएबलमेंट भी कहते हैं। और मेनली जो प्रिवेंटिव थ्योरी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी
ऑफेंडर होते हैं उनको डिसेबल कर दिया जाए या ऐसी कंडीशन में डाल दिया जाए उसके बाद वो क्राइम रिपीट ना कर सकें। जैसे अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसके बदले हम उसको फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको पूरे इस स्टेट में पहुंचा दे रहे हैं जो वहां के बाद वो फिर दूसरा क्राइम कोई नहीं कर सकता। तो जेरी बेंथम ने भी प्रिवेंटिव थ्योरी का काफ़ी सपोर्ट किया था। और फोर्थ वन है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। अभी वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ के हिसाब से पनिशमेंट देते हैं, और इसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना गया है। इस थ्योरी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऑफेंडर को एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है खुद में रिफॉर्म लाने के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर ही कॉन्सेप्ट ऑफ पैरोल, प्रोवेशन, ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं जुडिशियरी में जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड हैं। और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।